लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पैन कार्ड में हो गई हो कोई गलती तो घर बैठे करें सुधार लखनऊ। पैन कार्ड आज सबसे जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट में से एक हो गया है। हर जरूरी काम में आज पैन कार्ड का उपयोग जरूरी हो गया है। पहचान प्रमाण के रूप में भी आज पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि पैन कार्ड में कोई गलती हो जाने पर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पर अगर अब कोई डिटेल गलत हो गई है तो हमें लंबे चक्कर नहीं काटने होंगे। बहुत आसानी से यह सुधार किया जा सकेगा। ऑनलाइन ही घर बैठे आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका आसान तरीका। पहला चरण, इसके लिए आप NSDL ऑनलाइन सर्विस वेबसाइट पर जाएं। फिर एप्लीकेशन टाइप बॉक्स में चेंजेस और कोरेक्शंस इन एक्सिस्टिंग पैन डेटा रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद बॉक्स में सभी जानकारी का बताएं और फिर सबमिट कर दें। इसके बाद एक टोकन नंबर जनरेट होगा। दूसरा चरण, टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आधार नंबर, पिता का नाम आदि जानकारी डालें। सभी जरूरी जानकारी इसमें भरें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण आदि अपलोड कर दें। इसके बाद डिक्लेरेशन भर दें, अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दें। सब कुछ हो जाने के बाद फॉर्म को प्रीव्यू में देख लें। जांच लें कि आपकी ओर से भरी गई सभी जानकारी सही है। इसे बाद पेमेंट कर दें। तीसरा चरण, अगर आपका पता भारत का है तो ₹100 की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं जिनका संपर्क करने का पता भारत से बाहर का है उनके लिए ₹1020 की फीस लगती है। यहाँ पेमेंट के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट। पेमेंट सफल होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें। इंडिविजुअल आवेदकों को दो फोटो लगानी होगी और सेल्फ अटेस्ट करना होगा। इस पर अपने हस्ताक्षर इस तरह करें वे आधा फोटो और आधा एक्नॉलेजमेंट पर हो। इसे NSDL गोव पर भेज दें। इस बात का रखें ध्यान, एक एक्नॉलेजमेंट और अन्य जरूरी दस्तावेज NSDL के पास सबमिट करने के 15 दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप अपने पैन के करेक्शन फॉर्म को सावधानी से भरें।